25 तारीख को सुबह में निकले थे। 25 तारीख को जब निकले उसमें तो सुबह से तो शराब पीने के गए वहाँ पर शराब माफिया पर, तो शराब में कुछ पैसा का लेन देन हुआ, उसी में वो बेहोश हो हाथापाई हुआ, बेहोश हो गया। बेहोश होने के कारण वो उसी दिन से लापता है, आज पाँचवा दिन हो गया। आपको तो शक है, जाहिर है कि लगता है कोई हत्या करके लिख दिया अलार्म। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कहाँ मिल रही है? ये बम्पर नारियल घाट के बगल में बम्पर टोली है, उसी के बगल में वहीं पर मिल रही है। 15 साल से शराब बिक रहा है, अभी तक उस पर प्रशासन का कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। वाला से मेरे पति है, ऊपर से सम्मान उड़ के पैसा के लेन देन में करते, पैसा के जरूरत है तो घर पर आता, हम लोग देते पैसा मेरे पति। पुलिस पैसा आता नहीं कर रही है, पुलिस करती तो अब तक मेरा आदमी मिल जाता। ये छोटा बच्चा इसको लेके कहाँ रहेंगे, कौन का वो खिलाएगा हम लोग के? क्या हुआ था घटना, आपको पता कैसे चला, कैसे जानकारी हुआ? पता चला हम लोग के शाम को पता चला की पैसा के लेन देन में मार दिए मेरे पति को। कौन कौन किन्हीं कौन कौन लोग मारे हैं, किसके बारे में कुछ पता है आपको जानकारी? जो बेचते हैं 5 लोग हैं, सब यहाँ से हटे हुए हैं, ये सब हटे हुए इसी के शक के दौरान पे हम पकड़े हुए हैं। वो लोग हटे हुए इसी के शक के दौरान पर हम पकड़े हुए कि वही लोग मेरे पति को मार दिए हैं। नाम है लीची है, विनोद सानी है, रामजी सानी है, सुरेंद्र है। अच्छा, आप लोगों को इस बात की जानकारी थी कि वहाँ वो लोग शराब बेचते हैं? जानकारी नहीं, उस दिन तो जानकारी मिली। पुलिस यहाँ डेली आती थी, छापा मारना चाहिए था ना, पुलिस यहाँ डेली आती थी तो पुलिस को छापा मारना चाहिए था ना। हम लोग कमाने खाने वाले, हमको क्या पता कि वहाँ दारू बिकता है, दारू बिकता था, हम लोग पुलिस को बुलाते, हम रोकते। मेरे हस्बैंड थोड़ा कमाते थे, पी खा के चलाते थे, तो हम क्या उनको पुलिस में कर दे? पुलिस कहता है कि आप क्यों नहीं जिम्मेवारी दिए, पुलिस कहता है कि क्यों नहीं आप अपने बेटा को अरेस्ट करवाए, तो हम अरेस्ट करवा देंगे तो मेरा दाल रोटी कैसे चलेगा, आप ही बताइए। हमको इंसाफ चाहिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, ये यहाँ पे अब जो पता चल रहा है क्या, यहाँ 10-15 सालों से शराब बिक रही है? हाँ बिक रही है, लेकिन पुलिस को इसमें पैसा मिलता है, सिलेंडर को पैसा मिलता है, सब इसी के लिए मुंह बंद रखे हुए है। पुलिस कहती है कि आपको इस सब से क्या मतलब है, आपका अपना काम से मतलब है, तो भाई मेरे अपना काम के लिए मेरे आदमी को खोज के दिया जाए किसी तरह से। उस दिन भी हम थाने में सब बात बोले तो जानते हैं, मेरे बात को हटा के दूसरा चीज पेपर में मीडिया पे आउट करके दे दिया गया गुमशुदा वाला। क्यों पुलिस हम लोग की बात क्यों नहीं समझ रही है? हम गरीब आदमी है, इसी के लिए हाँ जी सर, ये अवस्थी टोला से पिछले 25 तारीख से जो अमर विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति लापता है, इसके बारे में सर पुलिस के पास क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? दिनांक 25 तारीख के सुबह 8 बजे से वो घर से निकला है, अमर कुमार उर्फ गुंगा, वो पैसे से लेबर है, वो लेबर का काम करता है, और 8 बजे निकलने के बाद से घर वाले लोग बताए हैं, उसके बाद 3 बजे से वो लोग खोजना शुरू किए। 26 तारीख को आके जाके रिपोर्ट किए, उस संदर्भ में एफ आई आर लॉन्च हुआ है, उसकी खोजी जा रही है। उनका शक था कि वो नशे की हालत में नदी में डूब गया है, पूरे NDRF के सहयोग से पूरे नदी को खोजा गया, अगल बगल पूरे जगह पूछताछ जारी की गई, किसी ने उसको कहीं जाते हुए नहीं देखा है। इनका कहना है कि बनपट टोली के 4 आदमी उसको देखे, उसके घर में भी जाकर पूछताछ किया गया, वो लोग मछली मारने वाले थे लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, और भी लोगों से पूछताछ की गई, वो अपना मोबाइल फ़ोन भी घर पर ही छोड़ करके चला गया। सर, जैसा कि उसके परिजनों का कहना है कि वो घर से निकला है वहाँ शराब पीने के लिए, वहाँ बहुत काफ़ी दिनों से शराब का कारोबार चल रहा है, और शराब पीने के क्रम में पैसों के लेन देन में विवाद के लिए उसकी हत्या कर दी गई है, तो इसके बारे में आपके क्या कहना है? इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों ने नहीं की है। शुरू में तो इनके द्वारा बताया जा रहा था कि निकला है 8:30 बजे, लेकिन घर में बात किया है 7:53 में वो अपने मोबाइल से बात किया है, और जानबूझ करके मोबाइल फ़ोन वो घर छोड़ दिया है। ये कहीं जा भी सकता है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कहाँ गए हैं। उसका जो मोबाइल का सीरियर वगैरह का हम लोग निकाले हुए हैं, हर जगह उसका हमने चारों तरफ पोस्टर भी लेकर के चारों तरफ हटवा दिया है, वहाँ से अभी तक कोई सूचना विधिवत सूचना किसी ने नहीं दिया। अच्छा, इसके में अभी शक के आधार पर कोई गिरफ्तारी वगैरह की गई है? नहीं, किसी गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ अभी की जा रही है, हर लोगों से जानकारी के लिए उसके मोमेंट के संबंध में पूछताछ की जा रही है।